नमस्ते राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, सिक्स्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो हमने इस लेक्चर सीरीज में आपके सिक्स सेमेस्टर का जो बॉटनी है, बॉटनी का पेपर फर्स्ट है आपका साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। उसमें जो पहला पार्ट है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में हमने सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है। थोड़ा सा मैं रिकैप दे देती हूँ। हिस्ट्री क्या होती है, रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल में इसकी डिस्कवरी की, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल में इसकी डिस्कवरी की। फिर सेल के जो साइज है वो किस तरीके से वेरिएबल हैं, अलग अलग साइज के सेल हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, यूनिसेलुलर सेल, सारे के मैंने आपको नाम बताए थे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपने कल का लेक्चर देखा होगा और उसे रिवाइज ज़रूर किया होगा, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। ये ऑब्वियस है, किसी का भी ब्रेन इतना तेज़ नहीं होता कि अगर एक बार आप पढ़ लें, आप तो आइंस्टाइन है नहीं कि एक बार पढ़ लें आपको चीज़ें भूलें ना। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं एक रिकैप दे रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद से हमने इसके साइज शेप के बारे में जाना था कि किस तरीके से शेप होता है। बचा है हमारा दो मेजर पार्ट इसमें, सेल थियरी हमने पढ़ी थी, जो दो मेजर पार्ट बचा है, पहला है आपका टाइप ऑफ सेल, जिसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल आते हैं, और सेकेंड पार्ट हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर वैसे तो हर प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल सब में अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली हमें दो ही के बारे में पढ़ना है, जो कि है आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइप ऑफ सेल से हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी ये नोट्स मैं बनाती हूँ आपके लिए, बेस्ट नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको सबसे अच्छी नॉलेज मिल सके, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ बीएससी लेवल तक काम आए, आगे की आप जो भी पढ़ाई करें उसमें भी काम आए। ठीक है, तो दो तरीके के सेल्स होते हैं, जिसमें से आपका होता है एक प्रोकैरियोट, दूसरा होता है यूकैरियोट। थोड़ा सा हम इसको तोड़ कर समझ लेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या होता है। तो पहली बात, अब आप जान जाइए कि कहीं भी अगर कैरियोट वर्ड आया है तो इसका मतलब ये कैरियन से लिया गया है। कैरियन का मतलब आपके बायोलॉजी में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस की बात की जा रही है। अब प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब जो चीज़ शुरुआत, प्रिमिटिव किसको कहा जाता है, जिसका शुरुआत हुआ हो, यानी इसमें ऐसा न्यूक्लियस पाया जाता है जो अभी बन रहा है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, बन रहा है, मतलब कुछ पार्ट ही इसमें पाए जाएंगे, सारे पार्ट नहीं पाए जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, प्रोकैरियोट। इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक, अब ये बात आप समझ गए होंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, आखिर इसका नाम प्रोकैरियोट क्यों रखा गया है। ठीक, बात आती है दूसरी यूकैरियोट की, तो कैरियन का मतलब आप समझ गए कि कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कैरियन का मतलब आपका न्यूक्लियस हो गया, और यू का मतलब यहाँ हो जाता है एडवांस से, मतलब यहाँ न्यूक्लियस एडवांस हो गया है। यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा था, प्रिमिटिव था, यानी कि शुरुआती था। चाहे तो आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि आप कभी ना भूलें कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, क्यों इसका नाम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पड़ा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एडवांस। अब एडवांस न्यूक्लियस से क्या मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, लेकिन प्रोकैरियोट में सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, सिर्फ एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर गोल सा पाया जाएगा। अब आगे हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ाई हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस जान लेते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मींस न्यूक्लियस की तरह स्ट्रक्चर तो पाया जाएगा लेकिन पूरा न्यूक्लियस ना पाए जाने की तरह से ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, ये चीज़ें क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी जब आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ आप एक बेसिक चीज़ें जानते चलिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहीं अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवेलप, सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये आपका, ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, ये बाहर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इनवेलप कहेंगे, इसको पूरा न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, और ये आपका पूरा न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस,
तो इस तरीके से ये पूरा डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में डीएनए नेक्ड होता है, यानी कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, कभी भी आप डीएनए पढ़ेंगे जब, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डीएनए जो होता है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको कि हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए है वो नेक्ड होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ कम्बाइंड नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन कम्बाइंड इसमें नहीं होता है। अगर वहीं बात की जाए आपके यूकैरियोट की, तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक। अब अगर राइबोसोम के बेसिस पे हम प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट करें, तो राइबोसोम के बेसिस पे क्या होता है कि दो तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। हमारे पूरे यूनिवर्स आपके पूरे एनवायरनमेंट में दो तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं, दैट इज 70S टाइप और 80S टाइप। एस नाम इसका क्यों पड़ा है, इसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पाया जाता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट आप आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको राइबोसोम इसमें पढ़ाऊंगी, इस वजह से इसका नाम एस पड़ा है। तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है, ठीक है। और वहीं बात करें अगर यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में 80S टाइप का पाया जाता है। अगर कुछ और ऑर्गेनेल्स की बात कर ले, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्गी बॉडी हो गया, यहाँ पे ER का मतलब है, आप सब जान जाइएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी एक एक करके, जब आगे सारे ऑर्गेनेल आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। गॉल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। लेकिन अगर वहीं पर यूकैरियोट की बात की जाए, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। बात की जाए तो राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, पॉली राइबोसोम, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, पॉली कहीं भी आ जाए उसका मतलब मेनी, यानी इसमें कई सारे राइबोसोम पाए जाएंगे। लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं वो मोनो, मोनो कहीं भी वर्ड आ जाए आप इसको लिख लीजिए, इसका मतलब होता है वन, ठीक है। तो मोनो राइबोसोम पाए जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब जब आप सिस्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, जब आप डीएनए का ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सिस्ट्रॉन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो जो आपका प्रोकैरियोट होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब ये आपकी जीन है, ठीक है, तो इस पे जो सिस्ट्रॉन होंगे वो कई सारे पाए जाएंगे, ठीक है। यहीं से आपके आगे के प्रोसेसेस होते हैं, जब आप इसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में मेनली, तो वहाँ पे सिस्ट्रॉन वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, कई सारे सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन आपका यूकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, एक ही सिस्ट्रॉन पाया जाता है, वहीं से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे मेजर डिफरेंस अगर कोई जान बता प्लांट सेल का एक, हाँ सॉरी, एक मैं डिफरेंशिएशन आपको बता दूं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसता है और बच्चे बहुत ज़्यादा जान भी नहीं पाते हैं कि क्या प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या प्रोटोप्लास्ट होता है, क्या साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैंने एक प्लांट सेल लिया है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कि मैंने एक प्लांट सेल लिया है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाने के बहुत सारी ज़रूरतें हैं, क्योंकि पहली बात तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम एक प्लांट का सेल ले रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर्स को डिवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर एक प्लांट सेल लेते हैं तो उसमें मेजर दो पार्ट पाए जाते हैं, पहला आपका हो जाता है सेल वॉल और दूसरा हो जाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। सेल वॉल आपका हमेशा से क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें लाइफ नहीं पाई जाती है, वो हमेशा डेड होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब प्रोटोप्लास्ट जो होता है, अगर आपसे पूछे कोई कि प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आप अक्सर करके प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आज आपका ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें, तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला, सेल वॉल को तो निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके सिर्फ किस में पाया जा रहा है, एनिमल प्लांट सेल में पाया जा रहा है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। देन हम प्रोटोप्लाज्म को दो स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
अगर कोई पूछे आपका प्रोटोप्लाज्म किस किन किन दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, तो जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होगा वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म आपका सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल से मिलकर बना होता है। तो अब हमको, मुझे लगता है कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये चार्ट बनाने के बाद कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या बनाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर साइटोसॉल की बात करें तो साइटोसॉल में दो तरीके के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे MEM का मतलब है मेम्ब्रेन, जिसके ऑर्गन के ऊपर मेम्ब्रेन पाया जाए, एक स्ट्रक्चर पाया जाए, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाए, ठीक है। और दूसरा होता है ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। पहले हम ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के नाम जान लेते हैं। इसमें आपके तीन स्ट्रक्चर आते हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है। ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन बाउंड में भी दो तरीके के पाए जाते हैं, कुछ पे सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कुछ पे डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है, सेल का सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा, सेल का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सा है। तो अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आपका ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा आपका होता है लाइसोसोम, तीसरा होता है गॉल्गी बॉडी, ठीक है, गॉल्गी GOLGI गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और साइटोस्केलेटन, जिसमें आपका माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन में आपके दो स्ट्रक्चर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सब जानते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, चिंता मत करिए आप, ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल में। थोड़ा सा हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में पहले डिफरेंस जाने कि उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनमें कैसे डिफरेंस होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो पहला ही पॉइंट होता है सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में एक डेफिनेट सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल एबसेंट होती है। दूसरा स्ट्रक्चर हम बात कर लें अगर सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो केवल और केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में ये एबसेंट होता है। तीसरा स्ट्रक्चर वैक्यूल्स की अगर बात कर लें, तो अभी मैं जब आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो दिखाऊंगी कि प्लांट सेल में इतने बड़े वैक्यूल्स, एक से दो, कई सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर यही एनिमल सेल की बात की जाए तो अगर ये प्रेजेंट भी होंगे तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, वैक्यूल्स के प्रेजेंट होने की तरह। अभी मैं जब आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी प्लांट सेल का, वैक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी यानी कि किनारे पे आ जाता है। ये भी एक डिफरेंस है आपके प्लांट सेल एनिमल सेल में, कि जो प्लांट सेल होता है, जब आप प्लांट सेल देखेंगे, ये मैं स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, प्लांट सेल अगर आप देखेंगे तो उसका जो प्लांट सेल का आपका ये स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किनारे पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जबकि आप अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी आप अच्छे से समझेंगे। अगर इनके क्वांटिटेटिव डिफरेंस की बात करें कि क्वांटिटी के बेसिस पे, तो देखा जाता है कि जो साइज के बेसिस पे यूजुअली ये क्या होते हैं, आपके प्लांट सेल स्मॉलर होते हैं, लार्जर होते हैं, जबकि एनिमल सेल स्मॉलर होते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंस, घना नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वैक्यूल ही इतना बड़ा पाया जाता है, जिस सारा एरिया वैक्यूल ही कवर कर लेता है, ठीक है। जबकि अगर प्लांट एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे डेंसर और मोर ग्रेनुलर पाया जाता है, ठीक है। अगर अरेंजमेंट की बात करें तो थिन लाइनिंग पाई जाती है साइटोप्लाज्म की, जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट इंटायर लाइनिंग पाई जाती है साइटोप्लाज्म की। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, ये देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा डिफरेंस वाला ले लिया जाए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो पहले पॉइंट में लिखा गया है कि इनमें प्लांट सेल में आउटर मोस्ट थिक रिजिड नॉन लिविंग कवरिंग पाई जाती है, जिसको कि सेल वॉल कहते हैं, जो मेनली किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना था। सेल्यूलोज के बारे में एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेल्यूलोज जो है मोस्ट अबंडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट में भी किसका, कार्बोहाइड्रेट का, इतना आपने नोट कर लिया होगा। और कार्बोहाइड्रेट में भी अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में भी बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी
ग्लूकोज का, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ये पाया जाता है। जब मैं आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ाऊंगी तो वहां मैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन सब के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अगर वहीं सेल की बात की जाए तो यहाँ पे कोई सेल वॉल तो पहली बात एब्सेंट होता है, एक थिन फ्लेक्सिबल लिविंग कवरिंग पाई जाती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, मैच्योर सेल में एक सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होती है सेंटर में, ठीक है। इनमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट भी होंगे तो बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स जो होता है वो न्यूक्लियस को क्या करता है, सेंटर में अगर वैक्यूल पाया जाने लगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ बीच में इतना बड़ा अगर वैक्यूल पाया जाने लगा तो ये क्या करेगा, बीच में वैक्यूल आ गया तो ये आपके जो न्यूक्लियस होगा उसको पेरीफेरी पे कर देगा, यानी कि किनारे पे कर देगा, यही कही गई है। जबकि यहां पे आपके एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो इनमें क्या होता है कि इनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, केवल कुछ पार्ट, कुछ प्लांट्स को छोड़कर, जैसे कि एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई में क्या होता है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन। जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। पांचवा, प्लास्टिड इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एनिमल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि प्लांट्स एनिमल्स में क्या होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, जनरली लेस या नहीं होते हैं, सॉरी कम होते हैं नंबर में, जबकि एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है, जबकि आपके एनिमल सेल में प्लेट लाइक होती है, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम की बात करें तो प्रेजेंट होता है कुछ सेल में, लेकिन प्लांट एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अगर कुछ प्लांट सेल की बात करें तो इनमें क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्रिस्टल एब्सेंट होते हैं आपके कहाँ, एनिमल सेल में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो ये यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम के बारे में आप सबने सुना होगा और अमीबा के बारे में सुना होगा और सारे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए, सिंथेसिस होता है कई सारे सबस्टांस का जिनमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं, कोएंजाइम्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे और सारे एनिमल सारी चीज़ें सिंथेसाइज नहीं होती हैं, एनिमल सेल में सारी चीज़ें सिंथेसाइज नहीं होती हैं। प्लांट सेल जो है वो जनरली 100 μm लेंथ में पाया जाता है, एनिमल सेल इससे क्या होता है, कम होता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर डिवीजन की बात करें तो साइटोप्लाज्म, जो काइनेसिस है इसमें सेल प्लेट होती है, उसको फ्रेगमोप्लास्ट, उसमें क्या बनते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं जो ग्लोल्गी बॉडी के द्वारा बनते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, इनमें डिवाइडेशन होता है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फरो बनता है, क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल के पास क्या होते हैं, एस्टर, एस्टर मतलब स्टार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, जबकि इसमें क्या होता है, विदाउट एस्टर होते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल का। ये एक स्ट्रक्चर है किसका, आपके प्लांट सेल का, ठीक है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाया जा रहा है। तो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस से सटा हुआ क्या पाया जा रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पाए जा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्माटा, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, और बीच में सेल वॉल पाई जा रही है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं, राइबोसोम और न्यूक्लियस पाया जा रहा है पूरा। एक मैं अपने हाथ से बनाया हुआ सिंपल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने हैंड रिटन वाला दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ठीक, सिंपल वे में मैंने बनाया है कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देख सकते हैं। वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के हो सकते हैं, स्मूथ रफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, गॉल्गी बॉडी पाया जा रही है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप पोर पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल कुछ इस तरीके से पाया जा रहा है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनको डायग्राम अच्छे से बना के इसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।